बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन कॉर्न सूप बटर के तड़के के साथ। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इससे, तो इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी की रिक्वेस्ट की है हमें, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, दानिश खोखर साहब, ये रेसिपी उनकी डिमांड पे। तो दानिश साहब, ये रेसिपी रेडी होगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। अब मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा छोटे साइज़ का प्याज डालूंगी, 4 से 5 से 6 लहसुन की कलियां, और तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा चिकन बोनलेस जाएगा और ये थोड़ा सा विद बोन जाएगा। अब इसकी हम यखनी बना लेंगे। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। अब प्रेशर कुकर को 2 मिनट तक चला लेंगे। तकरीबन 2 सीटी होगी। अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारा चिकन स्टॉक यानी चिकन की यखनी बन के रेडी हो गई है। अब मैं चिकन खा लेती हूँ और इसको रेशा रेशा कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं एक पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी मेल्टेड बटर। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें अदरक जाएगा। चखनी को पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप श्रेडेड चिकन डाल देंगे जो मैंने बॉईल किया था इसके अंदर। वन टीस्पून नमक डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। साथ में इसमें डालेंगे कॉर्न, ये तकरीबन 1 कप है। इसमें अच्छे से उबाल आ गया। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था जिसमें मैंने पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे।
सूप हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई डाल दूँगी और इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल ठीक हो गया है हमारा, ये देखिए। ये जो है जब जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं फ्लेम इसकी ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसमें तकरीबन 1 अंडे की सब्जी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह और चम्मच हिलाती जाऊंगी मैं इसको। ये देखिए आप माशाल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाया मैंने। और अब इसमें डाल देंगे हरा प्याज अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको चिली सॉस के साथ या विनीगर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप रेडी हुआ है। इसमें थोड़ा सा बटर का जो तड़का लगा है उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।